कार्यक्रम के दौरान यूपी के कई शहरों में हिंसा भड़क गई है। कहीं पत्थरबाजी तो कहीं आगजनी के चलते हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यूपी के कानपुर, बलिया, कुशीनगर और बाराबंकी में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। नफरत की चिंगारी से अमन में आग लगाने वाली ये तस्वीरें यूपी की हैं, जहां अराजकता के चलते त्योहार तांडव में तब्दील हो गया। कहीं पत्थर बरसे तो कहीं आगजनी हुई और पूरा माहौल खौफ में डूब गया। मौका मुहर्रम का था, प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कई दावे भी किए, लेकिन आग की इन्हीं लपटों में ये दावे जलकर खाक हो गए। सबसे खराब हालात कानपुर में बन गए। पहले मामूली विवाद में दो पक्ष रावतपुर में आमने सामने आ गए। मुहर्रम के जुलूस के दौरान पथराव से हालात और भी बिगड़ गए। यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, पत्थर मुहर्रम के जुलूस के दौरान, इसके बाद यहाँ पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। और इस जैसे ये खबर आगे बढ़ते गई, इस खबर के बढ़ने के साथ ही जो कानपुर है, कानपुर के तमाम इलाकों में जो हालात हैं वो बेकाबू होते चले गए। दोनों ओर से हुई पत्थरबाजी में पुलिस अधिकारियों समेत कई लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई होती तो इस टकराव को टाला जा सकता था। सारे अगर घटनाक्रम के पीछे देखे तो कहीं ना कहीं कोई अराजक तत्व है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस अपनी जगह काम कर रही थी लगातार, लेकिन कुछ गैप रहे जिसकी वजह से ये स्थितियां आ गई। पुलिस अभी रावतपुर के हालात को काबू करने में जुटी ही थी कि इस बीच परमपुरवा में ताजिए के जुलूस को तय जगह से आगे ले जाने पर विवाद खड़ा हो गया। गर्मा गर्मी कुछ इस कदर बढ़ी कि देखते ही देखते इसने आगजनी का रूप ले लिया। ये गाड़ियां जला दी गई, आप देख सकते हैं गाड़ी यहां पर मौजूद है। इसके अलावा दो तीन बाइक और भी हैं जो यहां पर जला दी गई। जूही इलाके में जो परमपुरवा इलाका है वहां पर आता है। हिंसा के बाद स्थानीय लोग बहुत डरे हुए हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तखत पे चढ़ चढ़ के ईंटा चला रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, यहीं गुम्मा तोड़ तोड़ तखत पे चढ़ चढ़ के मार रहे हैं। हालात को देखते हुए कानपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, साथ ही पूरी घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस समय मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं, स्थिति इस समय नियंत्रण में है और आगे की कार्रवाई विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने भी ये दुस्साहस किया उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिकंदरपुर में विजयादशमी पर हुआ विवाद मुहर्रम में और भी गहरा गया। आरोप है कि ताजिया जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। उत्पात में शामिल लोगों ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। बलिया में हुए इस बवाल में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने बवाल में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार कर इलाके में धारा 144 लगा दी है। बड़ा स्पष्ट रूप से हिदायत दे दिया गया कि कहीं पर कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न करता है तो तत्काल उसको अरेस्ट कर लिया जाए, और अगर कोई आगजनी करने का प्रयास करता है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी तो फायरिंग भी करेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा का रुख करेंगे। पंकज, ताजा हालात कैसे हैं अभी? देखिए, ताजा हालात कम से कम ये 10 जिलों की कहानी है जो कल बीते रविवार को हुआ है। फसाद हुए, झगड़ा, बवाल, आगजनी हुई है, पथराव हुआ है, और ये बाराबंकी से लेकर के कानपुर, बलिया, कुशीनगर, बरेली, कई जिलों में हुआ है, कौशाम्बी में। और रात भर पुलिस पेट्रोलिंग करती रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के झगड़ों में तो रात के वक्त में नुकसान हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन कोई अफवाह की वजह से फिर से बात बिगड़ जाती है। इसीलिए अभी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, कोई एक जगह कर्फ्यू भी लगा हुआ है बलिया के सिकंदरपुर इलाके में। रात में कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है, लेकिन आज का दिन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चुनौती होगा कम से कम। शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए। यानी हालात काबू में है लेकिन तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बाराबंकी और कुशीनगर में हिंसा भड़कने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जलती हुई गाड़ियां, सायरन का शोर और हालात को काबू में करने की कोशिश में जुटे पुलिस वाले। यूपी के बाराबंकी में विसर्जन के बाद लौट रहे लोगों पर पथराव से इलाके का पारा गर्म हो गया। जैतपुर इलाके में दोनों पक्षों के बीच पत्थर चले और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया।
अचानक हुए इस विवाद से एक बारगी तो प्रशासन के हाथ पांव ही फूल गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर भेज किसी तरह हालात को काबू में किया गया। इसके दुकानों के सामने एक फोर व्हीलर थी, उसको भी आग लग गई थी, जिसे बुझा दिया गया। अब क्या स्थिति है इस समय? बिल्कुल बिल्कुल नियंत्रण में है, उपद्रवियों पर नियंत्रण कर लिया गया है। पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुशीनगर में ताजिए के जुलूस के दौरान अराजक तत्वों ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि धारदार हथियारों से लैस कुछ युवक ताजिए को दूसरे रास्ते से ले जाने की जिद पर अड़ गए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो एसओ पर हमला बोल दिया, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजकर हालात को काबू किया गया। त्योहार से पहले ही इंटेलिजेंस ने कई जगहों पर हिंसा की आशंका जताते हुए यूपी सरकार को अलर्ट किया था, पर अब इसे योगी सरकार की लापरवाही कहें या फिर लाचारी, जो हिंसा की लपटों से इन शहरों को महफूज नहीं रख सकी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।